अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेबर्न हाउस में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इसमें इल्हान उमर भी मौजूद थीं। उनके इल्हान उमर से मिलने पर देश में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल से उनसे मिलने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल सत्ता में आने के लिए उतावले हैं, इस वजह से ही वे कट्टरपंथी नेता से मिल रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करना हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है।